सांगर संझोरो के नवाई गांव में हर बारिशों में 9 फुट पानी खड़ा होने से इलाके की आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला रही। हुकूमत की जानब से रोड बनाने के अहकामात जारी किए मगर नाकस मटेरियल के बावजूद रोड तामीर न हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलेरी जी। इशफाक आगाह कीजिएगा। सांगर जिले के अंदर हर साल आने वाली मानसून के असरात के बाद बड़ी तादाद के अंदर जहाँ पे जो मकदार के अंदर जो पानी जो है वो जमा हो जाता है। 2017 के अंदर जो सैलाब आया था तो 2017 के अंदर जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 9 फुट पानी था, जिसके बिना तमाम जो रोड रस्ते जो वो तबाह होने के साथ साथ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता था। हुकूमत सिंध की जानब से गुजस्ता जो जहाँ पर इलेक्शन से कपल जो 2022 के इलेक्शन में कपल के लिए आवाम के लिए जो है वो रोड बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन ये रोड जो है वो मुकम्मल होने के बजाय यहाँ पर जो सियासी बनादों पर जो ठेके दिए जाते हैं हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से और कमीशन माफिया के बायस यहाँ पर जो उसको तरक्याती काम है वो नाकस होते हैं। ठेकेदार की जानिब से सिर्फ 10 किलोमीटर तक के लिए रोड बनाने की जो मंजूरी जो है इंतजामिया की जानिब से उसको जो यहाँ पर मुकम्मल करने के बजाय सियासी बनादों पर जो ठेका दिया गया था उसके जानिब ठेकेदार की जानिब से यहाँ पर नाकस पत्थर डाला गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि वो जो पत्थर जो है वो इतना नाकस हो चुका है कि जहाँ के जो सेम का जो पानी जो है वो उसको खा चुका है। वो यकीनी तौर पर जब ये काम शुरू होगा तो उसकी जो सेम के बाद उसको पत्थर का जो क्वालिटी है वो नाकस, रोड की जो क्वालिटी है वो नाकस हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि यहाँ पर जो हाईवे डिपार्टमेंट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर माफिया सरगर्म है, बासत माफिया होती है, सियासी बनादों पर ठेके दिए जाते हैं और क्वालिटी वगैरह देखने के बजाय उनके जो बिल जो है वो कमीशन माफिया के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पर। दूसरे समर की है कि इस इलाके की सूरत हाल को देखते हुए, इसकी ज़मीन को देखते हुए, ज़मीन के हकाइक को देखते हुए और इलाके के आवाम के मुश्किल तरक्कों में यहाँ पर जो भी तरक्याती काम कराए जाएँ काबिल हों कि वो देर पर चलें और तमाम जो इलाके की आवाम है उनको उसका फ़ायदा पहुँचे, उसको मार्केट तक पहुँचने के लिए उसको उसको इस्तेमाल हो सके। और ये होना चाहिए कि सिर्फ मखसूस लोगों तक के लिए रोड हो और आगे वाले जो है वो उसको असर बड़ी नगाहों से देखे जाए। लेकिन इस वक्त यही हो रहा है कि ये जो रोड बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पत्थर तक ही ये रोड बनाया जा रहा है और हाईवे की जानिब से ये जो रोड बनाया गया उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं। उसके साथ में एक चीज़ और निशानदेही करना चाहता हूँ, इस इलाके के अंदर आपको जो सेम और थोर का जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि ट्यूबवेल्स हैं उसके तमाम ट्यूबवेल्स बेकार हो चुके हैं और पानी जो है ड्रेनेज का यहाँ पे पानी जो निकाला जाता है जिसके बिना पर और यहाँ पर सेम थोर का जो है वो बहुत ज़्यादा है और जब भी यहाँ पर बारिश होती है सैलाब आता है इस इलाके के अंदर 9 फुट पानी जमा हो जाता है और तमाम का तमाम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ग्राहक जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाती और लोगों को यहाँ रोड तक आने के लिए भी बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरे समझ गया कि फौरी तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों की मुश्किल को कम से कम किया जाए और यहाँ पर जो काम किया जाए उसकी क्वालिटी जो है बेहतर होनी चाहिए, न कि नाकस क्वालिटी के यहाँ पर काम किया जाए और सियासी बनादों पर यहाँ पर ठेके दिए जाएँ जो कि किसी भी तरह से मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं। जी।